नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य टेक फार्मिंग के आज के शानदार वीडियो में। एक बार फिर से बहुत टाइम के बाद हम है चराड़ा मंडी में, और चराड़ा मंडी में हम जिस जगह पे है वो है मूसा भाई के वहाँ। आज उनके पास एक से बढ़कर एक सारी बहुत हाई मिल कर गए हैं। बहुत टाइम से हम वीडियो नहीं कर पा रहे, तो आप इसके लिए आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हम मार्केट में नहीं जा पा रहे थे। आज थोड़ा टाइम मिला है तो आपको इस वीडियो में काफ़ी शानदार गाय दिखाने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। और अगर पहली बार हमारी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं इन सभी गायों के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार बाबू भाई। तो बहुत टाइम के बाद आपके यहाँ आए और वीडियो कर रहे हैं, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो नए जो हमारे दर्शक हैं, उनको पहले अपना नाम बता दीजिए और ये जगह कौन सी है ये बता दीजिए। ये जगह है चराड़ा मंडी। अच्छा। किरण भाई की मंडी है। अच्छा। तालुका है मानसा जिला गांधीनगर। और आपका आपका नाम बता दीजिए अभी। मेरा नाम है मूसा भाई। ठीक है मूसा भाई, तो आज कितनी गाय है आपके पास? 10-12 गाय। काफ़ी अभी किसान मित्रों दिखाएंगे तो आपको, ये इनके पीछे अभी एक ट्रक खड़ा है, तो आज ही अभी सुबह में अनलोड हुई है। तो ये जो गाय है सारी की सारी हमें दिख रही, काफ़ी बड़ी गाय है। तो ये जो साथ में खड़ी है उससे स्टार्ट करते, क्या है इसका डिटेल, कौन से इलेक्ट्रिशियन में ये? दूसरे में। और कितनी कच्ची है? बच्चा देने वाली 10 दिन कच्ची है। 10 दिन कच्ची है। ये देखो, बहुत बड़ी गाय है। देखो किसान मित्रों, ये दिखाएंगे आपको क्लोजली, तो ये अभी बोल रहे हैं 10 दिन कच्ची है, और अर्डर और भी बनाएगी। हाइट का कंपैरिजन आप है। तो आप देखोगे मूसा भाई की हाइट कम से कम 6 फीट के आजू बाजू है, तो काफ़ी बड़ी गाय है। थोड़ा ये देखो इसकी चाल, अर्डर क्वालिटी, हालांकि बहुत बड़ी हेल्थ वाइज बहुत काफ़ी अच्छी गाय है। थोड़ा साथ में भाई को खड़ा करके दिखाएंगे, तो ये है ये गाय, ये वाली गाय। पूरे कैमरे में थोड़ा क्लोजअप नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ी गाय है, अगर क्लोजअप आपको बताएंगे इसका अर्डर, ये है इसका अर्डर। और ठीक है, पूछ लेते हैं मूसा भाई से कि क्या प्राइस मांग रहे हैं, क्या दूध देने वाली है, और कितने तक ये किसी को चाहिए तो कितने तक दे सकते हैं, तो बात कर लेते। चलो पूछ लेते। हाँ तो मूसा भाई, अब बता दीजिए ये कितना दूध दे देगी? ये दूध दे देगी 20 किलो टाइम का। 20 किलो 20 किलो बड़ी गाय है, दोनों टाइम का 40 लीटर दूध दे देगी। तो प्राइस क्या मांग रहे हो? ये पड़ जाएगी, फाइनल मांग तो रहा हूँ मैं 1.5 लाख। 1.5 लाख फाइनल पड़ेगी, 1,10,000। 1,10,000। तो क्यों इतना ज़्यादा प्राइस हो रखा है अभी? अभी रेट बाबू जी पहले से ज़्यादा बढ़ गया। जो पहले गाय 60 की मिलती थी, हाँ, वो सीधी 75 की मिल रही है। अच्छा, तो 15-20 हज़ार का 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा हो गया। कुछ तो लंपिंग में गाय चली गई। अच्छा, कुछ महाराष्ट्र जाती है गाय। अच्छा, महाराष्ट्र वाले फुल आते हैं। अच्छा, फुल तेजी है। अच्छा, उधर भी तेजी है, तो पंजाब में भी जाते हैं लोग। तो पंजाब से आगे से ही आपको ज़्यादा महंगी आ रही है? आगे से रेट बहुत है। ठीक है, तो ये वाली भी कच्ची है, ये भी कच्ची है। ये थोड़ी हल्की सी छोटे हाइट में छोटी है, पर वैसे हाइट बॉडी स्ट्रक्चर काफी बड़ा। ब्रीड में। अच्छा, सेकंड में बताया कितनी कच्ची है ये भी? ये 10 दिन कच्ची है। 10 दिन कच्ची है। देखो इसका अर्डर, देखो ये वाला अर्डर काफी शानदार। थोड़ा खोल के बताओ भैया, ये वाली गाय, इसकी चाल थोड़ा दिखा देते। हालांकि आज ही उतरी है, थोड़ी थकी हुई है, पर काफ़ी शानदार है, बहुत बड़ा आर्डर है इसका भी, ये वाला। और ये भाई का साथ में इसका हाइट का भी कंपैरिजन आप कर लोगे तो पिछली जो गाय थी उससे थोड़ी हल्की सी कम है, पर हेल्थ वाइज आप देखोगे काफ़ी अच्छी तंदुरुस्त, और कम से कम 8-10 दिन लेगी। सारी की सारी गाय इनके पास आज जो है ज़्यादातर वो गाभिन गाय है, थोड़ा लगाते। और पूछ लेते हैं मूसा भाई से, क्या मोल मांग रहे हैं, क्या दूध दे देंगे, दूध का
हालांकि अभी हमने पूछा नहीं ये कितना दूध देगी, पर जिस हिसाब से ऑर्डर है ये भी 15 प्लस दे सकते हैं। कितना दूध दे देगी ये? कौन सी ये वाली? हाँ ये देगी 25 किलो टाइम का, 25 लीटर इससे भी ज़्यादा? इससे भी ज़्यादा दूध वाली है, पहले वाली से भी ज़्यादा? नस्ल वाली गए, फुल क्वालिटी की। तो ये ऐसे पहले इसने कितना दे रखा है? पहले दूध दिया इसने 50 से लेके 45 तक, 50 से लेके 45 से 50 तक जी पूरे दिन। तो इस बार उतना दे देगी? ज़्यादा ही देगी। तो क्या मांग रहे हो भाव? तो ये फाइनल पड़ेगी आपको 1,05,000। 1,05,000 फाइनल। तो इससे कम प्राइस क्यों है इसका? ये थोड़ा तीसरा में है, तीसरे में है, थर्ड लैक्टेशन में है, इसीलिए इसका प्राइस 1,05,000 में पड़ेगा। अगर कोई आएगा तो यही भाव में आप दे दोगे अगर आपके पास खड़ी है? कर देंगे इसी भाव में। फिर ऐसा ना हो कि नहीं ये सब? हाँ नहीं, लोग करते हैं कम बताते हैं फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ उस टाइम पे कोई और अलग होगी तो उसका प्राइस अलग होगा, पर ये गाय खड़ी है तो ये आप इस मिलेगी, ये तो 1,05 की दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाली गाय तो आज सारी गाय बड़ी है, सारी बड़ी रेंज वाली है। हाँ बड़ी रेंज, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ऐसी वाली गाय भी लोगों को दिखानी जरूरी है। ये वाले इसका क्या डिटेल है, कौन से लैक्टेशन में ये? ये दूसरा में, ये दूसरे में देखो। ये इसका ऑर्डर तो पहले दो वाली से भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। किसान मित्रों, जब भी देखने आप गाय खरीदते हो तो हमारा निवेदन है कि 2-3 टाइम चुवाई करें, जो तसल्ली के बाद कोई जानकार आदमी है उसको साथ ले जाके रखे। अकेला ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसका ऑर्डर आप देखो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। थन चारों के चारों आप गैप के लगे हुए, पीछे का जो ऑर्डर है बाहर का जिसे बोलते हैं आगे पीछे का ऑर्डर काफ़ी शानदार है। हाइट भी पहले दो वाली से कम है, छोटी हाइट है, पर ऑर्डर काफ़ी सुंदर है। सेकंड लैक्टेशन में ये भी 8-10 रोज कच्ची है। तो पूछ लेते हैं इनका प्राइस क्या मांगेंगे, क्या दूध दे देंगी। तो ये कितना दूध दे देगी मूसा भाई? दूध दे देगी 35 लीटर, 35 दोनों टाइम, दोनों टाइम का, मतलब 17 प्लस करेगी आराम। ठीक है, तो प्राइस क्या मांग रहे हो? प्राइस इसका 1,05 मांग रहे हैं, फाइनल पड़ जाएगी 85,000 फाइनल। तो 1,05 मांग रहे हैं, और अगर कोई किसान मौके पे आएगा तो ये आपको मिल जाएगी 85,000 में, काफ़ी अच्छी है। अगर ये इस प्राइस में आपको मिल रही है 85,000, बहुत अच्छी प्राइस है, और इसमें दूध मिलेगा आपको 35 लीटर। ये वाली गाय पे आ जाते हैं, ये वाली थोड़ी उससे थोड़ी ऊँची है, कदकाठी काफ़ी ऊँची है और एकदम टाइट अडर है, और थोड़ी ये सभी गायों से थोड़ी यंगर लग रही है। कौन से लैक्टेशन में ये? दूसरा में, दूसरे में। बढ़िया बछड़ी है। इसका जो अडर है आप देखोगे काफ़ी टाइट अडर है, और ऊपर से स्टार्ट होता है और घुटनों तक, घुटनों से ऊपर ख़त्म हो रहा है, काफ़ी शानदार, मतलब आदर्श अडर बोल सकते हो, वैसा अडर है ये पूरा गाय, फुल क्वालिटी मोदी का। ये इसका मुँह की बनावट HF क्वालिटी की, ये काफ़ी शानदार है। तो मूसा भाई ये कितना दूध दे देगी ये वाली कितना दूध दे देगी? 30 किलो 30 किलो, दोनों टाइम का, यानी कि एक टाइम का 15 लीटर, एक टाइम का 15। तो इसका क्या मांगोगे प्राइस? ये पड़ जाएगी फाइनल रेट 95,000। 95,000 में, 95,000 में ये मिल जाएगी, और दूध मिलेगा आपको 30 लीटर। थोड़ा घुमा के भैया लगा दो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी शानदार है, अगर आपको पसंद आ रही है इनमें से कोई भी गाय। आज उनके पास सारी हाई मिलकर गाय है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गाय है। हमारा पर्पस यही है कि आपको अच्छे पशुधन के बारे में बताए और अच्छे मोल पे बताए। तो जब भी आप लेने जाओ खाली वीडियो देख के मत लीजिए, अपनी जो है सूझबूझ, अपनी जानकारी के बाद खरीदे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो करके आइए। ये कहाँ से आई है गाय? ये आती गंगानगर, गंगानगर उधर कर। ठीक है, ये वाली गाय, ये इसका क्या डिटेल है, कौन से लैक्टेशन में? दूसरा में। ये भी दूसरे में, बछड़ी मस्त है। ये भी छोटे कद की और काफ़ी सारी गाय आज उनके पास देखो तो हेल्थ वाइज काफ़ी बढ़िया है। कोई भी छोट, मतलब ऐसी, हालांकि आज ही उतरी है गाड़ी से, इतना लंबा सफ़र करके 1,200 किलोमीटर सफ़र करके आई है। ये इसका ऑर्डर क्वालिटी, पर सारी की सारी जो गाय है इनकी तंदुरुस्त दिख रही है, बहुत बड़ी है, लगाओ भैया। तो पूछ लेते हैं इनको क्या प्राइस मांगेंगे, कितने तक दे दोगे।
ठीक है भैया, बताओ ये कितना प्राइस मांगोगे इसका? इसका 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 75,000 75,000 फाइनल 75 पड़ जाएगा फाइनल फाइनल। और दूध कितना मिल जाएगा? 30 किलो 30 किलो 75,000 30 किलो दूध 75,000। तो ये वाली जो कितनी? बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, तो इसका डिटेल क्या है, कौन से इलेक्ट्रेशन में? बीजे वेतर में कितनी कच्ची है? कच्ची है, 10 दिन कच्ची है। 10 दिन कच्ची है जी। ठीक है, तो कितना दूध दे सकती है ये वाली? दूध दे देगी 30-35 किलो दे देगी। 30-35 दोनों टाइम का कि एक टाइम का? दोनों टाइम का। ठीक है, थोड़ा घुमाओ भैया। तो ये भी सेकंड इलेक्ट्रिशियन है, सारी एक थर्ड इलेक्ट्रिशियन की थी, ये वाली सेकंड इलेक्ट्रिशियन की है। थोड़ी आपको चाल में अगर लग रहा है तो ये इसी वजह से है कि आज ही अभी सुबह में ही गाड़ी से उतरी है, इसलिए थोड़ी थकान से भरी हुई है। बाकी सारी गाय इनकी आज अच्छी दिख रही है। ठीक है भैया, अच्छी है, बहुत बनाती है। तो ऑर्डर आपको थोड़ा क्लोज बताते हैं, ये वाला ऑर्डर। तो ये और भी ऑर्डर बनाएगी अभी? ऐसा बनाएगी। अच्छा, तो अच्छी है गाड़ी करके। ठीक है, कितना प्राइस मांगोगे इसका? प्राइस 95,000 लास्ट में देने वाला। और दूध मिलेगा इसको 30 लीटर? आप 30-35 बोलते हो, 30 लीटर काउंट करते हैं तो 30 लीटर मिलेगा। और 95,000 यानी कि 95,000 में ये वाली गाय आपको मिल सकती है। ये भी कच्ची है, 10-12 दिन कच्ची है। 10-12 दिन कौन से इलेक्ट्रेशन में? ये भी बीजे बेहतर में। सब बीजे बेहतर में? बीजे बेहतर में है कि ऐसे ही बोले? नहीं, बीजे बेहतर में जी। अच्छा, तो दांत कितने हो गए इसके? दांत देख लो, 6 दांत कंप्लीट कर लिए है इसके। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्रॉस वाली है, पर हाइट आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। ऑर्डर अगर हाइट देखो, भाई की हाइट से कंपेयर करो, भाई की हाइट से बराबर, कंधे के बराबर इसकी हाइट है, काफ़ी बढ़िया हाइट है। और भाई कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी एक टाइम का 15 किलो 30 किलो दे देगी। 30 किलो अभी ऑर्डर नहीं लग रहा है इतना तो। कच्ची है ना ये भी? कच्ची है तो ये भी 30 लीटर बनाएगी। तो दूध प्राइस क्या मांगोगे इसका? 90 की। ये 90 में क्रॉस में है, वो ब्रीड में थी, ये क्रॉस में है तो कच्ची है जी बाबूजी, ऐसी बनेगी है। अच्छा, तो ये बताओ क्रॉस में और इसमें क्या फर्क है? इसका दूध थोड़ा होगा, 30 लीटर है, गाढ़ा दूध मिलेगा इसका। अच्छा, और गर्मी और गर्मी नहीं माननी, धूप में बांध दो। अच्छा, गर्मी में भी फायदा रहेगी। तो आगे गर्मी आ रही है तो कोई लेना चाहे तो ये ले सकता है। ठीक है, ये वाली आ गई गाय, थोड़ी छोटी वाली गाय है। क्या इसका डिटेल कौन से इलेक्ट्रिशियन में है भैया? तीजे में। ये थर्ड में? हाँ, थर्ड वाली आ गई। थोड़ी सी आपको ये वाली गाय छोटी लगेगी, थर्ड इलेक्ट्रिशियन में है। और ये दूध कितना दे देगी भैया? 14-15 ये भी 14-15 दे देगी। क्या बात, कच्ची है, कच्ची है ये तो। कितनी कच्ची है वाली? 12 दिन या इससे ज़्यादा भी ले सकती है जिस हिसाब से इसका ऑर्डर? 10-12 ही लेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये थर्ड इलेक्ट्रिशियन में है, ये भी ये बोल रहे 14-15, पर हम मान रहे कि ये कम से कम 12 प्लस ले देंगी एक टाइम का, यानी कि 25 लीटर प्लस दे देगी। भैया प्राइस क्या मांगो इसका? देने वाला प्राइस ये 80 की पड़ेगी। 80 क्यों? 80 से कम नहीं करोगे इससे? कम भी कर दूंगा अगर कोई मौके पे आएगा तो। कम कर दोगे थोड़ा? मान सम्मान कर लोगे किसी का? ठीक है, तो किसान मित्रों ये बोल रहे 80,000, पर इसमें भी ऊपर नीचे कर लेंगे 4-5 हज़ार, तो 75 तक मिल जाएगी ये वाली गाय आपको। ये वाली गाय आएगी भाई छोटी सी, ये कौन से इलेक्ट्रेशन में? फर्स्ट में। कितनी कच्ची है अभी? 8-9 दिन। ये भी 8-9 दिन? तो ये देखो फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में है और क्रॉस में है, हाइट एकदम मीडियम है, छोटी सी हाइट है। ठीक है भैया, तो प्राइस क्या मांगोगे इसका? 70,000 70,000। तो दूध कितना दे देगी? दूध दे देगी कम से कम 13 किलो। 13 किलो फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में दे देगी? दे देगी। लगता नहीं है कि 13 किलो ले देगी। कच्ची है, 12 दिन कच्ची है। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में अगर वो 13 लीटर दे देगी तो बहुत बढ़िया है, पर लगता नहीं है कि, अगर आप 13 बोल रहे हैं तो 10 लीटर तो दे देगी। क्वालिटी 13 ही देंगे। 13 दे देगी? हाँ जी। और कितना बताया प्राइस?
70,000। इसमें कुछ कम कर लोगे कोई मौके पे आएगा? वो तो कम बत्ती हो जाएगा जब। कितना कम कर लोगे अगर कोई आ जाएगा तो मौके पे? 5-6 हज़ार कम। 5-6 हज़ार ठीक है, 5-6 हज़ार में ये वाली गाय आपको, मतलब 5-6 हज़ार कम में, यानी 70 बोल रहे तो 65 तक मिल जाएगी, दूध मिलेगा आपको 24-25 लीटर। तो किसान मित्रों, ये थे चराड़ा से मूसा भाई और मूसा भाई की कुछ गाय। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नीचे दिए कमेंट में कमेंट करें, ज़रूर करें। और एक बार फिर से निवेदन करते हैं, जब भी गाय लेने जाए देखभाल के संभल के 2-3 टाइम चुवाई करके खरीदे, ताकि आगे कोई कंप्लेंट नहीं रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।